डूड, ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स बहुत सारी मिस्ट्रीज एंड बहुत सारे क्वेश्चन से भरा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर अभी तक किसी के भी पास नहीं है, है तो सिर्फ कुछ थ्योरीज, और इन थ्योरीज के बेसिस पर ही हम अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। एक बार विस ने कहा था कि ग्रैंड मिनिस्टर टॉप 5 बींग्स में से एक है, और बस इतनी सी बात से पूरी चीजें पलट कर रह गई। जहां हमें लगता था कि पूरा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स सिर्फ ओमनी किंग तक ही सीमित था, अब ऐसा नहीं है। क्या ग्रैंड मिनिस्टर जीनो से भी ताकतवर है? क्या कोई ऐसे भी बींग्स है जिन्होंने इनको क्रिएट किया है, जो इनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं? और वास्तव में क्या ग्रैंड मिनिस्टर हमेशा से इतने ही शक्तिशाली थे, या उनके पास ये शक्तियां कहीं से आई है? वेल, हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। सो यस, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज को, कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेल, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, जो कि एक मेरा सपना था और वो पूरा हुआ है। लेकिन मैं आई नो थोड़ा रेगुलर नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े गैप्स चल रहे हैं। मुझे पता है कि अभी मेरी वीडियोज़ में रीच कम है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, उनका वेट करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और आप सभी का दिल से शुक्रिया, आप सभी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और आई प्रॉमिस कि मैं बहुत जल्दी चैनल में फिर से रेगुलर होऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत तब होती है जब हमें विस कहता है कि ग्रैंड मिनिस्टर पूरे यूनिवर्स के 5 सबसे ताकतवर बींग्स में से एक है। लेकिन हमें ये भी पता था कि जीनो ओमनी किंग है, जो सब पर रूल करता है। लेकिन विस की इस बात ने फैंस के दिमाग में हलचल मचा दी। वास्तव में हमने कभी ग्रैंड मिनिस्टर की एक्चुअल पावर्स को नहीं देखा है, लेकिन जिस हिसाब से हमें बाकी एंजल्स विस के वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं, उस हिसाब से हमें यही लगता है कि द शिंकन नो डाउट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसने सभी एंजल्स की पावर्स में रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और वास्तव में एंजल्स के पास जितनी भी शक्तियां हैं, वो सभी उनको ग्रैंड मिनिस्टर के द्वारा ही दी गई है। और सिर्फ ग्रैंड मिनिस्टर की ही वजह से जीनो एंजल्स को इरेज नहीं करता है, या नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर एंजल्स अपने लॉस को ब्रेक करेंगे तो उनका फिर अस्तित्व में कोई काम ही नहीं रहेगा। इनडायरेक्टली जितने भी एंजल्स हैं, उनको ग्रैंड मिनिस्टर द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। लेकिन क्या ग्रैंड मिनिस्टर ने कहीं से ये सारी पावर्स को अचीव किया है? क्या उन्होंने कोई ट्रेनिंग की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी हमने ड्रैगन बॉल को अभी तक देखा है, नॉन कैनन, कैनन, ये जितनी भी थ्योरीज में देखा है, उसमें हमें सिर्फ यही चीज पता चली है कि ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है जो किसी व्यक्ति को, किसी सैयन को, किसी गॉड को इतनी पावर दे दे कि वो ग्रैंड मिनिस्टर के लेवल पर जाकर के बैठ जाए। ग्रैंड मिनिस्टर को जब क्रिएट किया गया था, या जब वो अस्तित्व में आए थे, तब से ही उनके पास ये सारी शक्तियां हैं। वही इस अस्तित्व के वास्तविक एंजल है, मतलब वही ट्रू एंजल है, उन्होंने ही बाकी फिर एंजल्स को क्रिएट किया है। यानी तुम ये कह सकते हो कि जो बाकी एंजल्स है, जो उनके बच्चे है, वो प्योर एंजल नहीं है। जो प्योर एंजल है वो ग्रैंड मिनिस्टर है। लेकिन फिर ग्रैंड मिनिस्टर ने इन्हें ट्रेनिंग दी, ऐसी कड़ी ट्रेनिंग जिसकी वजह से आज ये यूनिवर्स के सबसे ताकतवर बींग्स में कंसिडर किए जाते हैं। यही वो बींग्स है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी ट्रेन करते हैं, उनको टीच करते हैं। तो आप समझ सकते हो इनको ग्रैंड मिनिस्टर ने किस लेवल की ट्रेनिंग दी होगी। जो ट्रेनिंग विस गोकू और वेजिटा को देता है, वो ट्रेनिंग एंजल्स की ट्रेनिंग के आसपास भी नहीं आती है। मल्टीवर्स के अंदर इवन किसी गॉड तक को भी अभी ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है, और इसके इनडायरेक्टली यही मतलब है कि मल्टीवर्स के अंदर इतना कैपेबल कोई भी नहीं है जो कि एंजल्स की ट्रेनिंग को सर्वाइव कर सके, या उस ट्रेनिंग के आसपास भी कहीं भटक सके। इवन कुछ कुछ पॉइंट्स में तो मैं ऐसा भी रियलाइज करता हूं कि ग्रैंड मिनिस्टर जीनो तक से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर जीनो की रेस करने की पावर को हम साइड कर दें तो उसके अलावा जीनो कुछ भी नहीं है, जबकि ग्रैंड मिनिस्टर में ऐसा नहीं है। और इसके पीछे का जो ऑब्वियस रीजन मुझे लगता है वो ये है कि जीनो एक छोटा बच्चा है जिसका अगर मूड खराब हुआ तो वो किसी भी चीज को इरेज कर देता है, जैसा कि वो ऑलरेडी कर चुका है। और ग्रैंड मिनिस्टर इज लाइक हिज टीचर और हिज सर्वेंट, जो कि उसको किसी चीज के लिए रोकते टोकते नहीं है। और मे बी ग्रैंड मिनिस्टर इसलिए भी हो कि अगर कभी जीनो से कोई गलती हो जाए, या फिर कभी उसकी पावर्स उसके कंट्रोल के बाहर चली जाए, तो शायद ग्रैंड मिनिस्टर उसको रोक सके। लेकिन ये सारी बातें तो हमने ग्रैंड मिनिस्टर के केस में देखी है। दूसरी तरफ देखिए गोकू को, जो कि सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि जीनो का दोस्त है। ऑब्वियसली यार, वो काफी जल्दी फ्रेंडली हो गया था जीनो से, एंड ऑल्सो वो ग्रैंड मिनिस्टर को भी कह रहा था कि मैं इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ।
जो चीज एक्चुअल में इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया है, जो चीज एक्चुअल में काफी ज्यादा टफ थी, लेकिन गोकू ने वो करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं फैंस ये भी मानते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं है जब गोकू एंजल बन जाएगा और फिर वो ट्रेनिंग कर करके ग्रैंड मिनिस्टर के लेवल तक पहुंच जाएगा। और इवन नॉन कैनन के अंदर तो ये सारी चीजें हमें करके भी दिखा दी गई है, लाइक गोकू ने ट्रेनिंग करके ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन को हासिल किया है। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मल्टीवर्स के अंदर ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है जो कि किसी बींग को ग्रैंड मिनिस्टर बना सके। हाँ, बेशक गोकू ट्रेनिंग कर करके कहीं ना कहीं एंजल्स के लेवल के आसपास आ जाए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है वो कभी भी एंजल्स और ग्रैंड मिनिस्टर को सरपास नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो मेरे थॉट्स है ना यार, अकीरा टोरियामा का नहीं पता है भाई। कल को पता लग रहा है गोकू को जीनो की पोजीशन में पहुंचा दिया है। ऐसे ही यार बहुत सारे क्वेश्चंस है ड्रैगन बॉल जी के अंदर और बहुत सारी थ्योरीज भी है, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है यार। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।